नमस्कार, मैं हूं धीरज त्रिपाठी, लवकुश नगर से, छतरपुर जिले के लवकुश नगर से। आज हम उस छात्र के साथ बैठे हैं जिस लवकुश नगर के लाल ने कमाल कर दिया, और कमाल ऐसा कि बारहवीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का आज परीक्षा परिणाम आया, लोगों का यहां तांता लगा हुआ है और लवकुश नगर नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन किया है। बायो ग्रुप से जिन्होंने मेरिट में पहला स्थान प्राप्त कर इस नगर को उपलब्धि दी है, तो हम मिलाएंगे विकास द्विवेदी से। तो विकास द्विवेदी से सीधे हमारे कुछ सवाल रहेंगे कि आखिर कैसे इस सफलता को आपने अर्जित किया, किस तरीके से आपने पढ़ाई की। तो विकास जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत पहले तो स्वागत, धन्यवाद, शुभकामनाएं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम। तो किस तरीके से आपने ये इतने अंक हासिल किए और मेरिट में आज स्थान आया, तो आपने रिजल्ट जब देखा तो आपको कैसा लगा? रिजल्ट देखा तो बहुत ही खुशी हुई, और बाद में पता चला कि प्रदेश में पहला स्थान है तो बहुत खुशी हुई। और बाकी पढ़ाई तो मैंने डेली करते जाओ तो ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है, और बाद में परीक्षा के समय भी ज़्यादा मानसिक बोझ नहीं रहता है और आराम से सिलेबस कवर हो जाता है। और बाकी टीचर्स का भी अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने अच्छा गाइड किया जिसकी वजह से इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? डेली घर में मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई नियमित तौर पर करता था, और बाकी कोचिंग में जाके पढ़ाई करता था। किस किस की आप कोचिंग लेते थे, कौन कौन से सब्जेक्ट विषयों की कोचिंग? फिजिक्स की कोचिंग मैं मनोज नामदेव सर के यहाँ लेता था, केमिस्ट्री की आनंद तिवारी सर के यहाँ कोचिंग लेता था, और इंग्लिश की आशु सर के यहाँ, और बायोलॉजी की कोचिंग केशव सर के यहाँ लेता था। किस तरीके से आप डेली का डेली अपने सिलेबस को हल करते थे? जहाँ परेशानी होती थी तो किस तरीके से आप टीचरों को पूछते थे, क्या वो आपको गाइड करते थे? अब जैसे टीचर्स जो पढ़ाते थे उसे घर आके तत्काल पढ़ा, जिससे रिवाइज भी अच्छे होता जाता था और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। अगर डाउट आते थे तो टीचर से घर जाकर डाउट सॉल्व करवा लेते थे, इससे सिलेबस पूरा करने में कोई तकलीफ नहीं। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आज आप इस श्रेय का, सफलता की अपनी श्रेय को किसको देना चाहते हैं प्रमुख रूप से? माता पिता और भाई को और शिक्षकों को देना चाहते हैं। तो आगे आप जूनियर के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपसे जूनियर क्लास में है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जूनियर्स के लिए ये कहना चाहते हैं कि टीचर के बताए गए मार्गदर्शन में चलें और नियमित तौर पर अपना कार्य करते चलें, जिससे उनका दबाव ही नहीं रहेगा और उनको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो ये हमारे साथ आज मेरिट लिस्ट के मध्य प्रदेश के मेरिट लिस्ट में बायो ग्रुप से पहले स्थान में आने वाले विकास द्विवेदी थे, जिन्होंने तमाम सवालों की चर्चा के दौरान जवाब दिए और बताया कि किस तरीके से पढ़ाई करते थे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और हम विकास के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।